यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गर्मी के बढ़ते ही माता वैष्णो देवी यात्रा के मुख्य मार्ग में आग लग गई है। आग के कारण यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और चित्रकूट की पहाड़ियों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। आग को बढ़ता देख धाम में पहुंचे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो वहीं इसी बीच आग के कारण हेलीकॉप्टर सेवा को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना से भी मदद ली जा रही है। तो गर्मी के बढ़ते ही वैष्णो देवी मार्ग पर जंगलों में आग लगने की खबर ये सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी भयंकर आग जो है वो यहाँ जंगलों में लगी है और इस आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। वायुसेना से मदद मांगी गई है। वैष्णो देवी के मार्ग पर ये आग जो है नजर आ रही है। गर्मी के प्रकोप के साथ जंगलों में आग जो है अक्सर लगने की खबरें सामने आती हैं और ऐसे में वैष्णो देवी मार्ग पर आग लगने की ये खबर सामने आई है, जिससे वैष्णो देवी की यात्रा को भी फिलहाल रोक दिया गया है। और इसके साथ ही अब इस आग को इस पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद मांगी गई है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जिसके जरिए इस आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है।